जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए भारत की नई संसद भवन से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि 19 सितंबर 2023 के लिए भारत ने जो है वो अपनी नई संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है और पुरानी संसद भवन से नई संसद भवन की जो बिल्डिंग है उसमें शिफ्ट हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं नई संसद भवन के बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर वन है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब और किसने किया। ठीक है, भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब और किसने किया। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर वन का जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत। ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने 28 मई 2023 के लिए भारत की संसद भवन का जो है वो उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर टू है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी। ठीक है, तो नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी थी, ये क्लियर है किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इन्होंने इस नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी थी, तो ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दो का जो सही आंसर होगा वो होगा 10 दिसंबर 2020, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को रखी थी। ठीक है, और फाइनली 19 सितंबर 2023 के लिए ये इसमें शिफ्ट भी हो चुके हैं। ठीक है, तो 19 सितंबर 2023 के बाद में जो भी संसद के सत्र होंगे वो नए संसद भवन की बिल्डिंग में ही किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री, नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। तो नए संसद भवन का जो डिजाइन तैयार किया है दोस्तों वो किया है HCP डिजाइंस ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थ्री का ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। HCP डिजाइंस नामक जो कंपनी है इसने नए संसद भवन का जो है वो डिजाइन तैयार किया है। ठीक है, नया संसद भवन दोस्तों कुछ इस तरह से दिखता है, आप देख सकते हैं ये वाला। ठीक है, इस तरह से कुछ दिखता है, तो इसकी जो डिजाइन है वो किसने तैयार की है, HCP डिजाइंस नामक एक कंपनी है उसने की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर, नए संसद भवन का आकार कैसा है। ठीक है, ऑप्शंस हैं त्रिकोणीय, चतुर्भुज, अष्टभुज या फिर गोलाकार। तो दोस्तों, नए संसद भवन का जो आकार है वो है त्रिकोणीय। ठीक है, मैंने आपको दिखाया भी था और मैं एक बार आपको फिर से भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा है दोस्तों नया संसद भवन और इसका जो डिजाइन है, आकार है वो कैसा है, त्रिकोणीय है। ठीक है, इधर से इधर से। ठीक है, तो त्रिकोणीय है भारत की नई संसद भवन का आकार। चलिए क्वेश्चन नंबर पांच की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पांच है हमारा, भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है। ठीक है, तो नया संसद भवन दोस्तों कहाँ पर स्थित है, आपको पता होना चाहिए, नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने काफी मिलेंगे लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नया संसद भवन कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन नंबर फाइव का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार यानी कि आर्किटेक्ट कौन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं दोस्तों। तो नए संसद भवन के जो मुख्य वास्तुकार हैं वो कौन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर छः का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, बिमल पटेल। ठीक है, तो बिमल पटेल जो है वो नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर सेवन है दोस्तों, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है। ठीक है, तो नया संसद भवन का जो निर्माण है दोस्तों, उसका जो नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है, तो दोस्तों इसका निर्माण किया गया है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेवन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो दोस्तों नए संसद भवन का जो क्षेत्रफल है वो है लगभग 65,000 वर्ग मीटर। तो ऑप्शन ए यहां पर आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो दोस्तों नए संसद भवन में जो है वो लोकसभा के लिए 888 सीटें हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं। तो दोस्तों नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं, 384। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपको ध्यान रखने वाली बात है कि नया जो संसद भवन है उसमें लोकसभा के लिए 888 सीटें और राज्यसभा के लिए 384 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, नए संसद भवन को बनाने में लगभग कितने रुपए का खर्च आया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लगभग 1200 करोड़ रुपए का जो है वो खर्च आया है नया संसद भवन बनाने में। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया है। ठीक है, तो दोस्तों नया संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ था तो इसमें कितने रुपए का सिक्का जो है वो जारी किया गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नया संसद भवन कितने मंजिला इमारत है। ठीक है, तो हमारा जो नया संसद भवन दोस्तों बनके तैयार हुआ है इसकी जो इमारत है वो कितने मंजिला है। तो दोस्तों ये जो है वो 4 मंजिल इमारत है। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है। ठीक है, दोस्तों नए संसद भवन का जो निर्माण किया है वो किया है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। तो नया संसद भवन जो है हमारा उसमें कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तो यहां पर कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है, 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, पुराना संसद भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुकार ने तैयार किया था। ठीक है, तो दोस्तों नए संसद भवन के साथ साथ आपके एग्जाम में पुराने संसद भवन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो दोस्तों आगे की 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो पुराने संसद भवन से संबंधित होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, पुराना संसद भवन का डिजाइन किस ब्रिटिश वास्तुकार ने तैयार किया था। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, इन दोनों जो है वो ब्रिटिश वास्तुकारों ने पुराने संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, पुराने संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें थीं। तो दोस्तों पुराने संसद भवन में लोकसभा के लिए जो दोस्तों सीटें थीं वो थीं 543। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। ठीक है, अभी कितनी है, 888। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, पुराने संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें थीं। तो दोस्तों पुराने संसद भवन में जो है वो राज्यसभा के लिए 250 सीटें थीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, पुराना संसद भवन कब बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, तो पुराना संसद भवन जो है दोस्तों 1927 में बनकर तैयार हुआ था। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो भारत की जो संसदीय व्यवस्था है दोस्तों वो ली गई है ब्रिटेन से। तो ऑप्शन बी यहां पर आपका सही आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल विद आंसर की डाउनलोड करना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस से इस वीडियो की PDF फाइल के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक भी पैसा देने की किसी को भी जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों
कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।